अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप यकीनन जानते होंगे कि हर वालदेन ये चाहते हैं कि उनका बच्चा दुनिया का कामयाब तरीन इंसान बने, उसमें अच्छी खुशियात हों और वो बहुत कुछ अचीव कर सके। जो वालदेन हासिल नहीं कर सके वो उसकी औलाद हासिल करें। लेकिन नादानिस्ता तौर पे अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे उसकी कामयाबी के बजाय हम उसकी नाकामी की बुनियाद रख रहे होते हैं, उसकी शख्सियत को कमज़ोर बना रहे होते हैं। तो वो कौन सी आदत हैं, वो कौन से तरीक़ाकार हैं जिससे हम उसको कमज़ोर या ताकतवर बना सकते हैं उसकी शख्सियत को, तो ये जानने के लिए आज की वीडियो को मुकम्मल देखिए। इसमें पेरेंट्स के लिए बहुत सारी काम की चीज़ें होंगी जो उनके लिए मुफीद साबित हो सकती हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। क्या आपने कभी गौर किया है कि इंसान का सबसे पहला स्कूल कौन सा होता है? किसी भी इंसान का सबसे पहला स्कूल वो घर होता है जिसमें वो आँख खोलता है, और उसके रहने वाले अफराद, उसका जो कुंभा होता है वो उसको कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है, कुंभे के तमाम अफराद, और उसमें सबसे अहम किरदार माँ का होता है। सो मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड, यही हमारा आज का टॉपिक है। तो बढ़ते हैं टॉपिक की जानिब, और इस वीडियो के तीन हिस्से होंगे। पहले हिस्से में हम ये जानेंगे कि वालदा की, मदर की, माँ की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो वो बायसन तरीके से निभा रही होती है, बाखूबी तरीके से निभा रही होती है। इसके अलावा वो एज अ टीचर क्या किरदार अदा कर सकती है, और कौन सी रवैये हैं, कौन सी तरीक़ाकार हैं जो बिल्कुल भी इख्तियार नहीं करने चाहिए, इससे बच्चे के मुस्तकबिल के ऊपर बहुत मुज़िर असरात होंगे, उसकी शख्सियत के ऊपर बहुत मुज़िर असरात होते हैं। तो बढ़ते वीडियो की जानिब। आप यकीनन जानते होंगे कि किसी भी घर में कोई भी खातून खाना अपने बच्चों के लिए क्या काम कर रही होती है, वो एज अ शेफ वर्क कर रही होती है, उनको खिलाना, उनके ओवरऑल लुक आफ्टर करना, हाउसकीपर के तौर पे काम कर रही होती है, कपड़े धोना और उनके बच्चों के हर तरह से उनका ख्याल रखना, उनके काउंसलर के तौर पे वर्क कर रही होती है, उनको काउंसल कर रही होती है, इसी तरह से उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन ये सब करते हुए वो एक और बहुत अहम किरदार अदा कर रही होती है जो ज़रूरी नहीं है कि एक तालीम याफ्ता माँ ही अदा कर सके। बाज़ुकात जो गैर तालीम याफ्ता ख़वातीन होती हैं वो भी अच्छे तौर से अदा कर सकती हैं, और वो उनको मालूम नहीं होता कि हम ये किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन वो ये किरदार अदा कर रही होती हैं। वो होता है एज अ टीचर। तो हम ये जानते हैं कि मदर किस तरह से एज अ टीचर अपना रोल प्ले करती है या किस तरह से करना चाहिए। तो इस को जानने के लिए हम ये समझते हैं कि जिस तरह से कि हम आजकल एक कॉन्सेप्ट है प्री स्कूलिंग कॉन्सेप्ट, या मॉन्ट क्लासेस, या मॉन्ट से पहले भी बच्चे में कुछ स्किल्स डेवलप करना, तो असल में उसकी माँ जो है वो प्री स्कूलिंग जो कॉन्सेप्ट है उसको पूरा कर रही होती है। किस तरह से कि उसको जो है वो उसमें स्किल्स डेवलप कर रही होती है, और स्किल्स डेवलप कर सकती हैं किस तरह से बतौर पेरेंट या माँ। जब बच्चा कोई बात कहे तो आप उसकी बात को काटिए नहीं, बल्कि उसकी बात को गौर से सुनिए। इस तरह से वो एक अच्छा स्पीकर बनने की आप उसकी बुनियाद रखेंगे, और उसको एक मैनर सिखाएंगे कि किसी की बात नहीं काटते, उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब आप अपनी बात करें तब भी उसको नहीं काटने दें। तो लिहाजा उसे एक अच्छा स्पीकर और अच्छा लिसनर बनाइए, ये बुनियाद उसकी बचपन से ही पड़ेगी। हम बच्चे की बात को अगर टोकते हैं, उसको बात मुकम्मल नहीं करने देते, तो इसके बड़े मनफी असरात होते हैं। इसी तरह से उसमें हार्ड वर्किंग की खासियत पैदा करें। हार्ड वर्किंग से मुराद ये है कि वो अपनी माँ को जब काम करते हुए देखेगा, घर के काम, रूटीन के काम, तो उसको भी उसकी कैपेसिटी के मुताबिक, उसकी सलाहियत के मुताबिक छोटा मोटा कोई काम करने के लिए कह दीजिए। मसलन ये है कि गिलास यहाँ से उठा के वहाँ रख दिए, या कोई भी काम जो आप मुनासिब समझते हैं, इस तरीके से उसमें शुरू से ये आदत होनी चाहिए कि वो मेहनत करे, वरना आगे जाके वो मेहनत से जी चुराएगा, या काम करना उसके लिए एक ऐब हो जाएगा, या उसको वो बुरा समझने लगेगा। तो लिहाजा ये ज़रूरी है कि उसमें काम करने की आदत डालिए। अच्छा, इसी तरीके से ये हो सकता है कि आप उसको में जो है वो मुख्तलिफ यानी कि डिवेलपमेंट कर सकते हैं, जैसे कि फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, मुख्तलिफ तरह की डिवेलपमेंट कर रहे होते हैं। ये डिवेलपमेंट किस तरह से होती है कि आप उसको
मॉरल स्टोरी सुनाइए, कहानियां सुनाइए। जैसे कि हमने बचपन में अपने दादा दादी से या वालदा से स्टोरी सुनी थी, कहानियां सुनी थी, आज के दौर में मोबाइल ने उसकी जगह ले ली है, तो कुछ टाइम बच्चों के लिए ऐसा जरूर निकालिए जिसमें आप उसको कहानियां सुनाइए। उससे क्या होगा कि बच्चों की इमेजिनेशन पावर बढ़ेगी, उनकी लिसनिंग पावर बढ़ेगी, उनकी लैंग्वेज स्किल्स बढ़ेगी, तो और वो उसको एंजॉय करेंगे, पेरेंट्स के साथ उनकी अटैचमेंट बढ़ेगी। तो लिहाजा ये एक अच्छी आदत है, इससे वो कुछ ना कुछ सीखेंगे, बल्कि बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी तरह से उसमें ट्रस्ट की हैबिट डेवलप कीजिए। ट्रस्ट किस तरह से कि आप बच्चे पे ट्रस्ट कीजिए और वो भी दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करना सीखेगा। उसको ये सिखाइए कि आप ये काम कर सकते हैं, मुझे यकीन है आप सच बोल रहे होंगे। इस तरह से वो इस बात को सीख जाएगा कि ट्रस्ट करना चाहिए और मुझ पे भी ट्रस्ट किया जा रहा है। बच्चे के अंदर रिस्पेक्ट का जज्बा पैदा कीजिए। रिस्पेक्ट किस तरह से पैदा हो सकती है, उसको बेसिक मैनर्स सिखाएं। मसलन उसको सॉरी और प्लीज कहना सिखाएं। अगर उसको सॉरी कहना सिखाएंगे, ये सिखाएंगे कि अगर कहीं पे गलती हो जाए तो उसको तस्लीम कर लेना चाहिए, सॉरी कह देना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, तो वो मुस्तकबिल में भी ऐसा ही करेगा, वरना उसकी ईगो जो है उसको कभी ऐसा नहीं करने देगी। बचपन से ही आप उसको जो है वो अना का जज्बा उसके अंदर पैदा करेंगे और आगे चल के भी वो उसके अंदर पैदा रहेगा और वो गलती को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब गलती को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो कभी अपनी इसलाह भी नहीं कर सकेगा। ये छोटी छोटी आदतें होती है जो हम बचपन से बच्चों के अंदर दाखिल करते हैं और वही आदतें पक्की होके मुख्तलिफ तरह की शख्सियात की शक्ल में हमारे सामने आती हैं। इसी तरह से उसमें जो है वो कॉन्फिडेंस पैदा करें। कॉन्फिडेंस किस तरह से पैदा कर सकते हैं, मसलन उसे आपने कोई टास्क दिया, कहीं आप उसके साथ शॉप पे गए और खुद थोड़ा सा डिस्टेंस पे खड़े होकर उससे कहा कि शॉप से कोई चीज़ आप परचेस कर लीजिए। जब वो परचेस करेगा, शॉपकीपर को या ठेले वाले को किसी को भी वो अपनी जानिब मुखातिब करेगा, अपनी तरफ जो है वो उसकी तवज्जो दिलाएगा, तो पहले उसको मुश्किल पेश आएगी, लेकिन जब वो ऐसा करने में कामयाब हो जाएगा तो उसे ये तरीका समझ में आएगा कि मुझे किस तरह से लोगों से इंटरेक्ट करना है, मेरी भी एक बर्थ है और मैं लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकता हूँ, मेरी बात सुनी जा सकती है। यही कॉन्फिडेंस आगे चल के उसके लिए कारामद होगा। उससे छोटे मोटे घर के काम लीजिए, उसको जो है वो ये सिखाइए कि वो अपनी बुक्स को, कॉपियों को किस तरह से एक तरतीब से रखे, अपने शूज को किस जगह पे रखे, पानी खुद उठ के पी लें, और इसमें जो है वो बेटे और बेटियों में किसी किस्म का फर्क नहीं रखिए। यह भी एक बहुत बड़ी गलती है जो हमारे माशरे में एक सिखाया जाता है, बल्कि मैं समझता हूँ कि एक जहालत है जो हम मुंतकिल कर रहे होते हैं कि ये काम बेटियों के करने का नहीं है बल्कि ये लड़कियां ही करेंगी। ये हमारी मजहबी तालीमात भी नहीं है, ना ही ये कोई इखलाकी तालीमात है। हमारे सामने सबसे बड़ी मिसाल बतौर मुस्लिम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने छोटे छोटे काम खुद किया करते थे, अपने कपड़ों में खुद पेवर लगाया करते थे, तो क्या हम ये खुशियात अपने बच्चों में मुंतकिल नहीं करना चाहते? हम उनको एक अजीब ही अपने जहन में बनाई हुई एक सोच है जो उनमें मुंतकिल कर रहे हैं, जो आगे चल के माशरे में मुख्तलिफ बिगाड़ का सबब बनती है और एक ही माशरे में मुख्तलिफ माशरे हमको दिखाई देते हैं। तो इसमें किसी किस्म का भी फर्क ना रखिए, बल्कि ये काम दोनों को करने दीजिए। अच्छा, इसके लिए आपको कोई खास तगो दो की किसी खास मुश्किल की जरूरत नहीं होगी। जब दो तीन बच्चे हों, आप उनको किसी काम का कहें तो वो खुशी खुशी वो काम करते हैं। बड़ों को अगर आप किसी काम का कहें तो वो काम से टालने की कोशिश करते हैं और इसमें वो फख्र समझते हैं कि हमने काम नहीं किया, हम काम से दूर हट गए या हमने कोई बहाना कर लिया। लेकिन बच्चे जो है वो इसकी वजह से आपस में लड़ रहे होते हैं कि नहीं, ये काम मुझे करने दो, ये चीज मुझे उठाने दो। तो लिहाजा हम उसकी आदत को इनकरेज करें, डिस्करेज नहीं करें। यह जब होगा तो उनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी और वो अपनी चीजों को साफ भी रखेंगे, अपनी चीजों को तरतीब से भी रखेंगे। और यही वजह है कि आज जो हमें जगह जगह कचरा पड़ा हुआ दिखाई देता है, तो ये कचरा कहाँ से आता है? ये कचरा जो है वो हम ही लोगों ने तो किया होता है। कहीं पे सोशल मीडिया पे मैंने एक दिलचस्प बात लिखी हुई पड़ी थी कि कोई मदर अपने बच्चों को ये बता रही थी, बच्चों ने ये कहा कि कचरे वाले आए हैं बाहर, तो मदर ने ये कहा कि नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते,
ये कहें कि सफाई करने वाले आए हैं, कचरे वाले तो हमें, हम कचरा फेंक देते हैं बाहर, तो लिहाजा ये उनमें सोच डेवलप की जाए कि सफाई करना कोई बुरी बात नहीं है। और ये भी हमारी मजहब में ही सिखाया गया है कि सफाई मिस्फ ईमान है। फिर हम क्यों सफाई से दूर भागते हैं, क्यों ये तरकीब देते हैं कि नहीं सफाई नहीं करना चाहिए। तो लिहाजा उसके अंदर ये एक हैबिट डेवलप करेंगे, वो आगे चल के अपना घर साफ रखेगा, अपनी गली साफ रखेगा, उसी से जब गलियां साफ होंगी तो शहर और मुल्क भी साफ होगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सोच बच्चे के अंदर डिवेल्प कीजिए। इसी तरह से उसको खेलने के लिए बाहर ले जाइए, पार्क में ले जाइए, उसके करीब आप भी मौजूद रहिए। जब वो दूसरे बच्चों से खेलेगा तो उसमें भी वो बहुत सी चीजें सीखेगा। मसलन वो सीखेगा कि किस तरह से एक टीम में काम करना है, उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उसके अंदर पैदा होगी। उसको ये पता होगा कि कभी हार होती है, कभी जीत होती है, और हार में किस तरह से रिएक्ट करना है, और जीत जाए तो उसमें किस तरह से रिएक्ट करना है। ये भी उसको आगे चल के अमली जिंदगी में कारामत साबित होगा। बच्चे को ना करना सिखाएं, से टू नो। बासुकात हम बड़ों के अंदर भी हमारी शख्सियत कमजोर रह जाती है और हम किसी से ना नहीं कह पाते और उसकी वजह से हम नुकसान उठाते हैं। बासुकात किसी शर्म में, लिहाज में, या ये समझ के कि हम से बड़ा है या ओहदे में बड़ा है या उम्र में बड़ा है, तो लिहाजा हम उसकी हर बात माने, जरूरी नहीं है, हमेशा ऐसा करना जरूरी नहीं होता। बासुकात उस नो ना कहने की वजह से हमें बहुत ज्यादा नुकसान भी हो रहा होता है। तो बच्चों को ये सिखाएं कि अगर फर्ज करें, एक मिसाल लेते हैं कि अगर कोई दूसरे बच्चे उससे खेलने के लिए आए हैं और उसका खेलने का जी नहीं चाह रहा, उसकी तबीयत सही नहीं है, तो किस तरह से वो पोलाइटली नो कर सकता है, किसी काम के लिए रिस्पेक्ट में रहते हुए वो किस तरह से मना कर सकता है। ये उसकी शख्सियत को, पर्सनैलिटी को मजबूत करेगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। इसी तरह से उसको मुख्तलिफ हम बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं। वालदा जो है वो एक फाइनेंस मैनेजर होती है। फाइनेंस मैनेजर किस तरह से के बच्चे को पॉकेट मनी माँ दे रही होती है, तो अगर हम माँ उसको ये सिखाए कि ये पॉकेट मनी, ये पैसे आपको कहाँ पे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, तो इस तरीके से उसके अंदर ये एक हैबिट डेवलप होगी कि वो बचत की आदत उसमें डेवलप की जा सकती है, फजूल खर्ची से बचा जा सकता है, और यही आगे चल के उसमें फ्यूचर में काम आएगा। अब देखें कि हम जिंदगी में क्या क्या काम कर रहे होते हैं और बाद में हम सोच रहे होते हैं कि हमने ये काम इस तरह से नहीं किया, काश हम इस तरह से करें। तो अगर हम बच्चों के जहन में शुरू से ये हैमरिंग कर दें, ये आदतें, हैबिट उसकी शख्सियत का हिस्सा बना दें, तो आगे चल के वो फायदेमंद साबित होंगी और उसके लिए किसी खास कोर्स की उनको कराने की जरूरत नहीं होगी। वो आगे जाके जब उनके लाशऊर का ये हिस्सा बन जाएगी, आदतें उनकी सोच का हिस्सा बन जाएगी, तो वो इसी तरह से करेंगे और वो एक कामयाब इंसान बन जाएंगे। तो उनको जो है वो पैसे की अहमियत का अंदाजा दिलाइए। इसके अलावा और बहुत सारी आदतें आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे जहन में जो थी उनमें से मैंने कुछ अहम खुशियात, चीता चीता खुशियात आपसे शेयर की। लास्ट बट नॉट लीस्ट वो ये है कि बच्चे को सिखाएं कि गुड टच एंड बैड टच क्या होता है। उसे ये बताएं कि अगर पेरेंट बच्चे को टच कर रहे हैं तो इसी तरह से कोई और टच ना करे, या कहाँ पे टच करना बुरी बात होती है। यही वजह है कि हमारे बच्चे इस हकीकत से नावाकिफ होते हैं और वो माशरे में चाइल्ड अब्यूजिंग के वाकयात आप टीवी में सुनते होंगे, मीडिया में सुनते होंगे, तो लिहाजा हम उस पर बात करने से शर्माते हैं, झिझकते हैं। क्या ये नहीं हो सकता कि हम उनको किसी तरीके से ये चीज समझा दें और वो खुद अपना डिफेंस कर सकें? क्या बतौर वालदा हमारा काम सिर्फ उनको, वालदा या वालदेन हमारा काम सिर्फ उनको खिलाना पिलाना पहनाना है? ये नहीं है कि हम उनको जो है वो कोई इस तरह की खुशियात उनके अंदर ऐड कर दें जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने हक के लिए लड़ सकें, अपना अच्छा बुरा समझ सकें, बुरी आदतों से दूर रह सकें? तो लिहाजा ये असल तालीम होगी, ये असल एहसान होगा जो हम बच्चों के ऊपर कर रहे होंगे। वरना परवरिश तो अगर आप कुछ भी ना करें फिर भी उसकी ग्रोथ होती चली जाएगी, वो बड़ा होता चला जाएगा, वक्त गुजर जाएगा, जैसा तैसा उसको खाने के लिए बेहतर या अच्छा या बुरा उसको मिल ही जाएगा। लेकिन क्या ये बेहतर नहीं है कि हम खिलाते वक्त उसको में हैबिट डेवलप करें कि आपको किस तरह से खाना है, जितना आपको खाना है उतना उसमें प्लेट में निकालें, एक ही वक्त में खाएं, खाने में से ऐब ना निकालें, मुख्तलिफ चीजें खाएं और वो उसको
उसके सामने एक एग्जाम्पल भी पेश करें, उसको जंक फूड की तरफ राखिब ना करें, तो ये हैबिट्स कौन डेवलप करेगा? जाहिर बात है पेरेंट्स ही डेवलप करेंगे। और हम इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं और फिर ये कहते हैं कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, और हम तो इसको समझाते रहते हैं या हम तो उसको कहते रहते हैं। आपसे कितने लोग क्या क्या नहीं कहते, आप सब बातों पे अमल करते हैं? आप सिर्फ उसी बात पे अमल करते हैं जो आपको आइडियलाइज करती है, जो आपको अच्छी लगती है। तो जब आप उसके सामने वो चीज परफॉर्म करेंगे तो वो लाजमी तौर पे बच्चा भी करेगा। क्या कभी आपने ये गौर किया है कि एक छोटा बच्चा घर आके अपनी टीचर की तमाम जो चीजें होती है, किस तरह से उसने पढ़ाया, उसको कॉपी कर रहा होता है। यही कॉपी वो पेरेंट्स की भी करता है, पेरेंट्स से भी सीख रहा होता है। तो लिहाजा हम उसमें अच्छी आदतें डेवलप करें। तो ये तो वो हो गई जो ऐसा टीचर मदर को या पेरेंट्स को उसमें डेवलप करनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं कि उसके अंदर कौन से हार्मफुल बिहेवियर हो गए जो उसमें हमको किसी भी सूरत में डेवलप नहीं होने देने चाहिए या वो उसके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। उसमें नंबर वन पे है फियर, खौफ। बच्चे में जो है वो किसी भी सूरत में खौफ का आंसर पैदा ना होने दें। खौफ किस तरीके से पैदा होगा? एक जो हम बड़ी कॉमन मिस्टेक कर रहे होते हैं, जो हमारे साथ भी हुई होती है और हम आगे बच्चों में शिफ्ट कर रहे होते हैं, वो ये कि बच्चे को किसी काम से रोकना होता है तो हम कहते हैं कि अल्लाह बाबा आ जाएगा, चुड़ैल आ जाएगी, जिन भूत आ जाएंगे। यही उसके लाशऊर का हिस्सा बन जाते हैं। वो इन्हीं माफूकुल फितरत चीजों पर यकीन रखता है, इसी की बात फिर वो तावीज़ गंढों की तरफ भागता है। कहीं पे अंधेरा होता है तो या किसी चीज की उसको वजह नहीं समझ में आ रही थी तो वो कहता है जिन भूत की वजह से ऐसा हो गया, जादू टोना हो गया। तो हम क्यों उसके अंदर वहम जो है वो ऐड करते जा रहे हैं? क्या ये हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं? तो लिहाजा किसी भी सूरत में उसके अंदर कोई खौफ का जज्बा पैदा ना होने दें। इसी तरह से उसमें कंपेरिजन की खासियत पैदा ना होने दें। अगर वो कहता है कि मुझे फला ड्रेस चाहिए, फला तरह के शूज चाहिए, फला चीज चाहिए जो इस बच्चे के पास है, तो उसकी तवज्जो को डाइवर्ट कीजिए। कुछ पेरेंट्स ये कहते हैं कि नहीं, हम ये कहीं से भी करके उसको प्रोवाइड करेंगे। चले आपने प्रोवाइड कर दिया, लेकिन क्या हमेशा आपके लिए मुमकिन रहेगा या हमेशा उस बच्चे के लिए मुमकिन रहेगा? हमारे माशरे में जो एक रेस लगी हुई है और इखलाकी बुराइयों का सबब यही कंपेरिजन है, और यही यानी कि इत्तफा ना करना है, कनात ना करना है, जिसकी वजह से हमारे माशरे में बिगाड़ है, करप्शन है। तो लिहाजा उसे ये सिखाएं कि दूसरे से कंपेयर करने के बजाय आप वो चीज लो जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपको अच्छी लगती है, जो आपके लिए यूजफुल है, उसे उस चीज के यूजेस बताएं। तो लिहाजा उसकी तवज्जो को डाइवर्ट करें, हमेशा उसकी हर जायज नाजायज बात को मानना उसकी शख्सियत में बुरे असरात मुरतब करेगा। तो उसको जो है वो सही गलत की तमीज सिखाइए। इसी तरह से उसमें सेल्फिश बिहेवियर ना पैदा करें, बल्कि उसे शेयर एंड केयर करना सिखाइए, शेयरिंग एंड केयरिंग करना सिखाइए। ये सिखाइए कि कोई चीज बच्चों से दूसरे बच्चों के साथ शेयर करके खाते हैं या बच्चों के साथ शेयर करके खेलते हैं। जब ये आदत आप उसके अंदर डेवलप करेंगे तो वो फ्यूचर में दूसरे अपने ही बहन भाइयों से लड़ाई नहीं करेगा, वही बच्चा आपसे लड़ाई नहीं कर रहा होगा। जब उसके अंदर रिस्पेक्ट का जज्बा होगा, शेयर का जज्बा होगा, केयर करने का जज्बा होगा, वही बच्चा आगे जाके दूसरे बहन भाइयों की भी केयर करेगा और आपकी भी केयर करेगा, सोसाइटी में दूसरे कमजोरों की भी केयर करेगा, दूसरे लोगों का ख्याल रखेगा। तो लिहाजा उसे केयर करना सिखाइए। हम बच्चे को ये सिखाते हैं कि ये आपकी चीज है, ये आप किसी को भी नहीं दीजिएगा, ये भी बहुत बड़ी गलती होती है। यही आगे चल के उसमें सेल्फिशनेस का जज्बा पैदा करती है। इसी तरह से उसके जो है वो उसको में डिसिप्लिन पैदा कीजिए। कुछ लोग अनडिसिप्लिन कर देते हैं। डिसिप्लिन किस तरह से पैदा होगा कि उसको टेम्पर भी कीजिए और साथ में उसे सही बात भी सिखाइए, उसके उससे थोड़ा सा सख्त रवैया भी किसी जगह पे इख्तियार किया जा सकता है। इस तरह से नरम और सख्त रवैये के इम्तजाज की वजह से हम एक डिसिप्लिन कायम कर सकते हैं और उसकी शख्सियत को डिसिप्लिन बना सकते हैं। बच्चे में एहसास बर्तरी पैदा ना होने दीजिए, उसको डोमिनेंट नहीं होने दें। वो ये समझे कि मेरी हर बात सही होगी, हर बात मानी जाएगी, या मैं बहुत कोई सुपर चीज हूं, और ये भी ना हो कि उसमें एहसास कमतरी का जज्बा पैदा हो जाए, वो हर चीज में अपने आप को कमतर समझने लग जाए। इन दोनों रवैयों से बचाएं, ये दोनों रवैये नॉर्मल नहीं है और ये आगे जाके उसके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का सबब बनेंगे, उसके डिप्रेशन का सबब बन सकते हैं।
बच्चों में भी डिप्रेशन होता है, ले उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ना मैं उसका एक्सपर्ट हूँ, लेकिन यह है कि बच्चों में हम बहुत ज्यादा बिगाड़ पैदा कर सकते हैं। इसी तरह से उसमें वायलेंस का जज्बा पैदा ना होने दें। वायलेंस का किस तरीके से, उसके सामने कभी शाउट नहीं कीजिए, लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिए, शोर शराबा नहीं कीजिए। जब वो वायलेंस देखेगा तो आगे जाके वो वायलेंस करेगा। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर आप समझते हैं कि वीडियो पेरेंट्स के लिए मुफीद हो सकती है, वो इससे कुछ कारामद बातें हो सकती हैं, तो दूसरे पेरेंट्स से शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।